पहले आम चुनाव में उत्तर बंगाल सीट से चुने गए थे 3 लोकसभा सदस्य, 1951 में 1 सीट से होते थे 2 सांसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अगले चंद माह में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में हम आपको 1951 में हुए देश के पहले आम चुनाव की कुछ खासियतों से अवगत करा रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पहले चुनाव में हर लोकसभा सीट से 2 सांसद चुने जाते थे, एक अजा जजा वर्ग का और दूसरा सामान्य वर्ग का। इसमें भी उत्तर बंगाल एकमात्र सीट थी जहां से 2 नहीं 3 लोकसभा सदस्य चुने गए थे। 3 सदस्य चुनने की वजह से अजा जजा वर्ग के वोटरों की संख्या ज्यादा होना है। इस कारण उत्तर बंगाल सीट से 2 सुरक्षित वर्ग के प्रत्याशी व 1 सामान्य प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपना दायित्व बखूबी निभाया। जब पहली बार आम चुनाव संपन्न हुए तो कई खामियां थी जो बाद में हुए चुनाव में दूर की गई। 1951 में हुए देश में पहले चुनाव में प्रत्येक दल की अलग अलग मत पेटियां उनके चुनाव चिन्ह अंकित करवा कर रखी गई थी ताकि मतदाता चुनाव चिन्ह देख कर अपना वोट पेटियों में डाल सके। इसका मुख्य कारण था देश में साक्षरता की दर काफी कम होना और मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं होना। देश में कई सीटों पर आरक्षण की भी थी व्यवस्था। आरक्षण सीटों पर 1 आरक्षित और 1 सामान्य उम्मीदवार, इस तरह के 2 उम्मीदवार का चयन किया जाता था। 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में देश में 86 सीटों ऐसी थी जिन पर 2 उम्मीदवार विजयी घोषित किए गए थे, 1 सामान्य और 1 आरक्षित। देश में एकमात्र सीट पश्चिम बंगाल की उत्तर बंगाल सीट है जिस पर 3 उम्मीदवार विजयी रहे। यह देश की एकमात्र त्रिसदस्यीय सीट थी। 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव में आरक्षित सदस्यों व सामान्य सदस्यों वाली यानी कि 2 सदस्यों वाली सीट को संख्या बढ़ाकर 51 हो गई। इस चुनाव में 3 सदस्य सीट का प्रावधान नहीं था। उत्तर बंगाल की इस 3 सदस्य सीट में 3 कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे थे, उपेंद्रनाथ बर्मन सामान्य सीट से जबकि अमेयकांता बसु और वीरेंद्रनाथ कामत आरक्षित सीट से विजयी रहे थे। बंगाल में 1951-52 में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 34 थी। इसमें से 1 सदस्य 19, 2 सदस्य 6 और 3 सदस्य की सीट थी। इस तरह 3 सदस्य सीट होने का देश में यह पहला और अंतिम प्रसंग है। यह चुनाव आयोग की 1951-52 की रिपोर्ट में दर्ज है कि 2 सदस्य सीटों की व्यवस्था 1957 के बाद के चुनाव से खत्म हो गई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।